अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, आज हम आपकी मैथ किताब में से एक्सरसाइज 7.4 करने जा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, हम फ्रैक्शंस कर रहे हैं। तो इस वक्त जो सवाल है, जो क्वेश्चन है 7.4 का, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शंस। ये जो शेडेड पोर्शन है इन सर्कल्स में आपने देखना है कि ये जो शेडेड पोर्शन है जहाँ पे ये शेड किया गया है, ये देखिए आप, इसमें तीन खानों को शेड किया गया है इस सर्कल में। इसी तरह जो दूसरा सर्कल है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 खानों को शेड किया गया है, इसमें 4 और इसमें 1 खाने को शेड किया गया है। तो पहले देखेंगे हम इसमें इनकी फ्रैक्शन क्या बनती है। तो पहला वाला जो है 1, 2 एंड 3, तो टोटल हम पहले खाने देखेंगे, टोटल खाने कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल जो खाने हैं इसमें वो 8। तो टोटल 8 है, तो इसमें से शेड कितने को किया गया है, 1, 2, 3, तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी 3/8। 3 हमें शेडेड पोर्शन है और जो टोटल पोर्शन है वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है, तो 3/8 इसकी फ्रैक्शन बनेगी। तो यहाँ पर देखिए आप दूसरे में, इस पे पहले देखेंगे हम कितने खाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसमें भी 8 खाने हैं, तो डिनोमिनेटर में हम 8 लिखेंगे। तो शेडेड पोर्शन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6/8 इसकी फ्रैक्शन बनेंगे। इसी तरह ये भी जो है, इसके टोटल खाने कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसमें भी 8 खाने हैं, 8, एंड शेडेड पोर्शन कितना है, 1, 2, 3 एंड 4, ये हो गया 4/8। तो इसी तरह जो है, इसमें देखते हैं हम टोटल खाने कितने हैं, इसमें भी 8 है और शेडेड पोर्शन कितना है, 1/8। तो ये इसकी फ्रैक्शन बन गई। ये पार्ट में हम देखेंगे पहले, तो इसकी ये फ्रैक्शन बनती है 3/8, 6/8, 4/8 एंड 1/8। अब मजीद इसमें हमें ये पूछता है, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइंस, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, बिटवीन द फ्रैक्शंस। अब जो है हमें इनको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले छोटा लिखना पड़ता है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इनमें कौन है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो सेम है तो हमें न्यूमरेटर को ही देखना पड़ेगा। न्यूमरेटर में सबसे छोटा कौन है, 1, 4, 6, 3, तो सबसे छोटा कौन है इसमें, 1/8, 1/8, 1/8 छोटा है, इट इज़ लेस देन 3/8, 3/8 इज़ लेस देन 4/8 एंड 4/8 इज़ लेस देन 6/8। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें यही जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 6/8 इज ग्रेटर देन 4/8, 4/8 इज ग्रेटर देन 3/8 एंड 3/8 इज ग्रेटर देन 1/8। तो यह है असेंडिंग ऑर्डर और यह है डिसेंडिंग ऑर्डर, यह है असेंडिंग ऑर्डर और यह है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे छोटा लिखना पड़ता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा लिखना पड़ता है, समझ में आया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। पहले हम टोटल खाने देखेंगे, पार्ट नंबर बी जो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल खाने हमारे पास है 9, और शेडेड पोर्शन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, शेडेड पोर्शन है 8, फ्रैक्शन हमें बनेगी 8/9। इसी तरह यहाँ पर है, ये टोटल खाने कितने हैं, 9, शेडेड पोर्शन कितना है, 1, 2, 3 एंड ये है 4/9, तो ये है 3/9, तो ये है
सिक्स बाई नाइन। समझ में आया? तो ये हमें फ्रैक्शन बन जाती है। तो फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें डिनोमिनेटर में टोटल खाने लिखने पड़ते हैं। टोटल कितने खाने हैं? 9 खाने हैं। और इसमें शेडेड पोर्शन कितना है, यानी जिनको शेड किया गया वो कितने खाने हैं? वो 8 है। इसमें शेड कितने को गया है? टोटल खाने 9 हैं, शेड कितने को किया गया है? 4 को। और इसमें 3 को शेड किया गया है, टोटल खाने हैं 9। इसमें 6 को शेड किया गया है और टोटल खाने हैं 9। तो ये इसके लिए फ्रैक्शन बन जाती। तो चलिए अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, ASCENDI, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि इनका भी जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो हम सबसे छोटा जो यहाँ पर है 3 है, 3/9। 3/9 इज लेस देन 4/9, 4/9 इज लेस देन 6/9, एंड 6/9 इज लेस देन 8/9। समझ में आया? तो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस फ्रैक्शन। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं हम? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा चूंकि आपको मालूम है 8/9 है, 8/9, 8/9 इज ग्रेटर देन। इस साइन को हम ग्रेटर देन बोलते हैं और इस साइन को हम लेस देन बोलते हैं। 8/9 इज ग्रेटर देन 6/9, विच इज़ ग्रेटर देन 4/9, विच इज़ ग्रेटर देन 3/9। समझ में आया? चलिए, तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, या सी पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, शो 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 ऑन द नंबर लाइन, पुट अप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शन इज गिवन। तो चलिए पहले हम इनके लिए नंबर लाइन बनाई। ये हमें नंबर लाइन पर क्या दिखाना है, 2/6, 4/6, 8/6, 6/6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे हम। यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो यहाँ हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे, तो यहाँ हम 1 को कंसिडर करते हैं। 1 मीन्स 6/6, 6/6 इज कॉल्ड 1। दैट मीन्स 6 × 6 = 6, 6 × 6 = 6, दैट इज कॉल्ड 1। तो इस 1 को हमें टोटल कितने पार्ट्स बनाने हैं? 6 पार्ट्स। कितने पार्ट्स बनाने हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर में आप देखिए कितने पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स 6 पार्ट। तो इनको हम बराबर करके 6 पार्ट बनाते हैं। थोड़ा हम डॉट डालेंगे, 1, 2, ये आपको स्केल से करना है, 3, थोड़ा कम करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। इसका जो पहला पार्ट, चूंकि ये 6/6 है, पहला पार्ट जो है दिस इज 1/6। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 6। तो पहला पार्ट 0 से लेकर 1 तक, ये इसको हम बोलेंगे 1/6। तो ये जो है, ये पार्ट जो है, ये क्या दिखाएगा? ये 2/6 है, दो पार्ट, 6 में से दो पार्ट। ये जो है ये 3/6, ये जो है 4/6, ये जो है ये दिखाएगा हमें 5/6। तो ये जो है ये हमें 6/6 दिखाएगा। तो आगे हम थोड़ा एक पार्ट लेंगे 7/6। तो आगे थोड़ा हम जाएंगे बराबर करके, तो ये हमें बताएगा 8/6। तो इस तरह से जो है हम इन फ्रैक्शनस को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। आप कुछ फ्रैक्शनस यहाँ पर दी गई है, हमें इनको अप्रोप्रिएट साइन लगाना है बीच में। 5/6 डैश 2/6,
तो चूंकि यहाँ पर 5/6 बड़ा है, 2/6 छोटा है ना, 5 बड़ा है 2 छोटा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन लगेगा। इसी तरह है 3/6 - 2/6, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर में आपको देखना पड़ेगा कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, लिहाजा यहाँ भी ग्रेटर देन लगेगा। यहाँ पर देखिए आप 1/6 - 6/6, 6/6 - 1, 6/6 - 1, 1/6 - 1/6, तो यहाँ पर 1 जो है बड़ा है। मैं यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन है, 1/6 बड़ा होना चाहिए, 6/6 बड़ा होना चाहिए, सिक्स बाई सिक्स बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा 7.4, ये 1/6 बड़ा ही है। बाद में 8/6 - 5/6, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, न्यूमरेटर में देखना पड़ेगा, न्यूमरेटर में यहाँ पर 8 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ 8 बड़ा है, लिहाजा यहाँ भी ग्रेटर देन ही लगेगा। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह हम फ्रैक्शंस को लेस देन, ग्रेटर देन और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, और किस तरह हम इनके दरमियान लेस देन ग्रेटर देन लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।